हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनादा मिनी व्लॉग तो आज मैं हॉस्टल में ही हूँ क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं तो मैं कॉलेज नहीं गई क्लासेस मेरे मिस हो गए हैं तो रूम में ही मेरे से जितना होता है मैं उतना पढ़ रही हूँ और पढ़ना मतलब उतना क्या टाइम पास ही ज़्यादा होता है तो पढ़ते पढ़ते फिर मैंने सोचा कि रूम थोड़ा ठीक कर लेते हैं मेरे बेड की हालत ख़राब थी तो मैंने पहले सोचा वो ठीक करते हैं फिर लंच करेंगे और लंच में आज मैंने हॉस्टल का नहीं खाया आज नूडल्स था हॉस्टल में मैंने ऑर्डर किया था ये साउथ इंडियन मिनी प्लेटर जिसमें मसाला डोसा वड़ा और पोंगल था और वड़ा एंड पोंगल मैंने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया आज एंड पोंगल वाज लाइक क्वाइट डिसेंट बट मुझे टेस्ट उतना इसका समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली है क्या बट शायद राइस ही है ये बट इट वॉज़ ओके फिर वीडियो यहीं पर उस दिन ख़त्म कर दिया था मैंने और नेक्स्ट डे फिर शाम को हम लोग गए थे आ, कहीं बाहर घूमने तो ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये कहीं और जाता है तो ये जनरली वो रास्ता नहीं है जहाँ से मैं कॉलेज जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ तो हम लोग गए थे जलेबी लाने तो जलेबी के साथ मैंने दो चार मिनी कचोरीज भी ले लिए थे इस दुकान से जिसका टेस्ट एक्चुअली अच्छा नहीं था फिर हम लोग घूमते घूमते कुछ नए रास्तों से भी निकल रहे थे मतलब हमने उस दिन शायद दो तीन या ऐसा चार नए रास्ते एक्सप्लोर किए फिर एक रेस्टोरेंट होटल में गए तो उन लोगों ने वहाँ पे चाय पिया और मैंने एक जलेबी खाया जो हम लोग खरीद के लाए थे फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के चाय पी के हम लोग फिर दूसरे रास्ते से गए जो कि मेरे लिए नया था और ये इतना ऊंचा है मतलब मैं चलते चलते थक गई मैं बता नहीं सकती इतना टफ था फ़ोटो में या फ़ोन में ऐसे समझ नहीं आ रहा है बट लिटरली बहुत ज़्यादा ऊंचा था मतलब मैं जे क्यों गई थी वहाँ पे <laughs> मुझे यही समझ नहीं आ, में नहीं आया बहुत हार्ड था मेरे और ऊपर से मेरे क्रैम्स भी थे फिर ऐसे सुंदर सुंदर व्यू को देखते देखते मैं हॉस्टल चली आई थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो